यदि आप चाहते हैं कि पल भर में किसी शादीशुदा महिला को अपने वश में कर ले या किसी कुंवारी स्त्री को अपने प्यार में पागल दीवानी बना दे, तो आप 7 लवंग लेकर यहाँ जला दीजिए। जलाते समय उस स्त्री का नाम लीजिए जिस स्त्री को आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिस स्त्री को आप अपने प्यार में पागल दीवानी बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, जैसे ही आप 7 लवंग लेकर मेरे बताए हुए जगह पर जलाइएगा और जिस स्त्री का नाम लीजिएगा, वही स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपके प्यार में पागल दीवानी बन जाएगी, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यह जो वशीकरण टोटका है बहुत ही पावरफुल है, आजमाया गया है। इस वशीकरण टोटका से बहुत सारे लोगों का काम हुआ है। यदि आप सच में चाहते हैं कि किसी शादीशुदा महिला को अपने वश में कर ले या किसी कुंवारी स्त्री को अपने प्यार में पागल दीवानी बना दे, ताकि वह स्त्री जहां भी रहे आपके प्यार में खोई रहे, हमेशा आपको ही याद करे, हमेशा आपसे ही प्यार करे, हमेशा आपसे ही बातें करे, जहां भी रहे आपके वे प्यार में खोई रहे, आपसे मिलने के लिए बेचैन रहे, तो आप यह छोटा सा पावरफुल वशीकरण टोटका जरूर कीजिए। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, छोटे से टोने टोटके आपको करना है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, छोटा सा टोना टोटका करना है। जिस स्त्री को आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिस स्त्री को आप अपने प्यार में पागल दीवानी बनाना चाहते हैं, उस स्त्री के नाम से क्या करना है, आपको छोटा सा पावरफुल वशीकरण टोटका यानी कि टोना टोटका आपको करना है। जैसे ही आप छोटा सा टोना टोटका कीजिएगा, जिस स्त्री के लिए कीजिएगा, वही स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपके प्यार में पागल दीवानी बन जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आपको प्यार में धोखा मिल गया है, आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है, यदि आपका प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, आप वशीकरण कर करके थक चुके हैं लेकिन इसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ छोटा सा पावरफुल वशीकरण टोटका जरूर कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका प्यार आपको जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, तो आइए बतलाते हैं कि 7 लवंग आप कहाँ जलाइएगा, किस जगह पे जलाइएगा, कि जिस स्त्री का नाम लेकर जलाइएगा, वही स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपके प्यार में पागल दीवानी बन जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए बतलाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, करना क्या है, रविवार के दिन आपको क्या करना है, गिनकर 7 लवंग लेना है, फूल वाले लेना है। उसके बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको किसी चौराहे जगह पर चले जाना है, जहाँ आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई देखे नहीं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, वहाँ आपको करना क्या है, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको पूर्व दिशा की ओर करके घूम करके बैठ जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 1 लवंग इस प्रकार अपने हाथ में उठाना है और जिस स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं, उस स्त्री का नाम पहले लेना है। उसके बाद में आपको बोलना है त्रिम और इस लवंग पे फूंक मारना है और इसको अलग यहां रख लेना है। फिर दूसरा लवंग उठाना है और अपने प्यार का नाम लेना है, यानी कि जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम लेना है और इस पे त्रिम बोलते हुए फूंक मारकर रख देना है। यानी कि 7 लवंग पे क्या करना है, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अपने प्यार का नाम पहले लेना है 7 बार और त्रिम शब्द क्या करना है, आपको 7 बार बोलना है, फूंक मारकर रख देना है। उसके बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, करना क्या है, उसी चौराहे जगह पे आपको जलाना है। जलाते समय उस स्त्री का नाम और चेहरा मन में बसाए रहना है, नाम बार बार उस स्त्री का लेते रहना है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, जैसे ही आप लवंग जला दीजिएगा, उसके बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, बची हुई राह को करना क्या है, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप उस स्त्री के खाने के किसी भी सामान में खिला दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, 12 घंटे के भीतर में ही जिस स्त्री को खिलाइएगा, वही स्त्री बेचैन होकर आपके पास आएगी और बोलेगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ है तो नीचे कमेंट करिए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे।